बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कट्टरपंथीओए करेला हुमलानी घटनाना भारत सहित समग्र विश्व में घेरा प्रत्याघात पड़ा छे। आ घटनाना विरोधना भागरूपे अमदावादना सोलामा हरे कृष्ण मूवमेंट तरफथी कीर्तन यात्रा काढवामां आवी। हरे कृष्णना नाद साथे आ यात्रामां समर्थकों अने श्रद्धाळुओ जोड़ाया हता। बांग्लादेश में कट्टरपंथीओए पुजारीनी करेली हत्या, देवी देवताओंनी मूर्ति तोड़वानी सहितनी घटनाओ प्रत्ये लोकोमां रोष जागे अने आवी प्रवृत्तिओ अटके ते माटे जनजागृति कार्यक्रम योजायो। कीर्तन यात्रामां जगन्नाथ मंदिरना महंत दिलीप दासजी, कथाकार चैतन्य स्तंभु तेमज जगमोहन कृष्णदास पण जोड़ाया हता। दुखनी बात है कि बांग्लादेश में जे आपणा हिंदू मंदिरों पर अने जे हिंदू भाईओ पर जे हत्या थई छे तेना विरोध में आज इश्कोन मंदिर भारत द्वारा एक शांति यात्रा आयोजन करवामां आव्युं छे। एमां सौ संतो महंतोए सौ भाग लीधो छे अने सौने एक ज अपील करी छे कि आ जे घटना बनी छे ए खूब ज दुर्घटना छे अने आवी थवी ना जोईए। बांग्लादेशना मुख्यमंत्री ने अमे अपील करीए छे कि आवुं आपना देशमां ना बनी शके अने आवुं ना बने एनी तकेदारी लईने जेमणे पण कर्युं छे तेमना माटे सखत पगला लेवामां आवे छे। अने आपणी भारत सरकारने माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रभाईने अने माननीय गृहमंत्री श्री अमितभाई जी शाहने अमे प्रार्थना करीए छे कि आपणे आना पर विचार विमर्श करी अने आगळनुं कार्य करवुं जोईए। आ घटनाथी समग्र विश्वना हिंदुओं हवे चेती जवानी जरूर छे। आमने तमे सीधी रीते नहीं मारी शको, परंतु जो आमने तोड़ी पाड़वा होय तो एनी साथेना आर्थिक व्यवहारो जो समग्र हिंदुस्तान बंद करी देशे तो एनी केड भागी जशे अने आ तमारा पगमां पड़ी अने तमारी साथे हाथ मिलावीने रहेशे। एटले अमारी विश्वने देखाड़वा माटे आजे 200 जग्याएथी इस्कोन द्वारा आ यात्रा शांतिकूच अमे करीए छीए, परंतु ફરીથી એ કહેવા માંગુ છું કે હિન્દુ જલ્દી ગરમ નથી થતો, પણ હિન્દુ જ્યારે ગરમ થાય ત્યારે હિન્દુ જલ્દી નરમ પણ નથી થતો। દુનિયા મેં હમારા ભારતીય સંસ્કૃતિ કો પ્રચાર કિયા અને શાંતિ સંદેશ દિયા, ભગવાન કા પ્રેમ બાંધા, લેકિન આજ ક્યા હુઆ હૈ બાંગ્લાદેશ મેં મંદિર કે ઉપર હમલા હુઆ, ભગવાન કા મૂર્તિ તોડા, શિલા પ્રભુપાદ જી કા મૂર્તિ કો જલાયા, સો યે બહોત દુખી કી બાત હૈ। हम पूरा दुनिया को हमारे भारतीय संस्कृति से शांति सिखाना चाहता है, लेकिन अभी अशांति ऐसे फैला रहा है। सो इसको हम विरोध करते हुए हम पूरा दुनिया में 150 देशों में आज नगर संकीर्तन का आयोजन किया है।